अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखो अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 10, तो बच्चे अभी अभी उठे हैं और मैं जो है उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो बच्चों ने आज फरमाइश की थी कि उन्हें जो है नूडल्स खाने हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों का मन होता है नूडल्स वगैरह खाने का, वरना तो वो स्कूल में हमेशा भाजी रोटी लेकर जाते। तो अभी छुट्टियां चल रही है और 2 दिन बाद स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी जो है थोड़ा सा इन्हें ये वाला नूडल्स बना के दे रही हूँ। तो ये नूडल्स जो है ये वाले मैं आज ट्राई करने वाली हूँ। तो ये इस पे ये फ़ायदा हुआ था कि ये एक के ऊपर एक फ्री मिले थे, यानी 25 रुपीज़ में मुझे 2 नूडल्स के पैकेट मिल गए थे। और ये वाले थोड़े अच्छे भी लगे, थोड़े पतले पतले थे। और देखिए अब जो पानी गरम कर लिया था उसमें मैंने नूडल्स डाल दिए थे, तो इसे मैं थोड़ा तोड़ रही हूँ ताकि जो है ये अच्छे से बॉयल हो जाए। तो देखिए कम से कम इसे 5 मिनट लगेंगे शायद इसे अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। ये हक्का नूडल्स की रेसिपी है। तो इसमें जो है मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। सुबह सुबह जो है बच्चे वेजिस खाने के लिए थोड़े से ये होते हैं, उन्हें बोर होता है वेजिस खाने, इसलिए अब इसमें कोई वेज वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, एकदम सिंपल सी बनाऊँगी। और सुबह का नाश्ता आज उन लोगों को यही करना था। तो देखिए इसमें थोड़ा पानी मैं ज़्यादा डालती हूँ ताकि नीचे चिपके ना, और अगर ऐसा लगे तो थोड़ा निकाल देती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने से जो है ये थोड़े स्टिकी बनते हैं खाने में और अच्छे लगते हैं। तो इस टाइम पे जब थोड़ा सा पानी रहता है इसके अंदर, तब मैं इसमें ऑयल डाल देती हूँ। और इसके अंदर जो है इसे मैं थोड़ा सा हिला लूँगी। और इसके अंदर जो मेरा हमेशा से फेवरेट है, इसके अंदर जो मैं मसाला यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ चिंग्स का हक्का नूडल्स। तो ये मसाला जो है ये पूरा जो नूडल्स वो कवर कर लेता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। तो ये मुझे भी फेवरेट है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो बस इसे ही डालूंगी और इसमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसे डाल के सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें पकाएंगे और फिर इसे सर्व कर देंगे। तो देखिए ये इतना पूरा एक पैकेट मैं इसमें डाल रही हूँ, एक पैकेट नूडल्स में 1 पैकेट मसाला डाला है। तो इस तरीके से जो नूडल्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए अब जब तक ये बन रहे हैं 2 मिनट के लिए, तो हम इसे पकने देते हैं, एक दफ़ा हिला लेंगे 1 से 2 दफ़ा। तो देखिए यहाँ पर जो है नूडल्स निकाल दिए थे और बच्चे जो है नूडल्स अब खा रहे थे। तो सुबह 10 बजे का टाइम था, 10:15 बजे का, और बच्चे जो बहुत खुश होते जब भी नूडल्स खाते। तो बच्चों का नूडल्स हमेशा फेवरेट होता है, हर घर में बच्चे और बच्चों का फेवरेट नूडल्स है ना। तो मैं इस तरीके से हमेशा जो है नूडल्स ला के रखती हूँ ताकि जब भी बच्चों को ऐसा दिल चाहे तो मैं उन्हें बना कर दूँ। और जो छोटी वाली बेटी है उसे तो नूडल्स बहुत ही पसंद है, अगर घर में नहीं भी बनाती और उसका मन हो जाए तो वो बाहर से भी, उसके बाहर के भी नूडल्स वो खाती है, उसे बहुत पसंद है। तो जो चाइनीज़ आइटम है वैसे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसलिए जो है अब जो है बच्चे जो यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे और मुझे जो है फटाफट दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। तो चलिए बच्चे अब जो है नाश्ता कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं नाश्ते को, नूडल्स को। तो अब जो है मैं चलती हूँ किचन में और जल्दी जल्दी जो है खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो आज जो है मैं बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाने वाली हूँ, क्योंकि जो है मुझे फ्रिज की साफ़ सफाई करनी है। अब जो है मैं किचन में आ गई थी और मैंने जो है यहाँ पर एक टोप ले लिया है, और जो है सबसे पहले जो है मैं लूँगी यहाँ पर जो आज हम बनाने वाले हैं रेसिपी वो वाली। तो उसके लिए जो है सबसे पहले जो है मैंने 2 कांदे काट लिए थे, तो कांदे मीडियम साइज़ के काटूँगी 2 कांदे, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मिसल। मिसल यानी कि मूंग मर्च चौलई वगैरह जो होती है, तो वो बनाने वाली हूँ। और वो जो है मैंने बाहर से ख़रीदी थी, घर में नहीं भिगाई थी, तो बाहर से ही मैंने उसे ले लिया था। तो आज वही बनाऊंगी। और देखो यहाँ पर जो कढ़ाई में जो है तेल गरम कर लिया था, और ये कांदा जो है मैंने इसमें फ्राई करना है। तो 2 कांदे डाले इसके अंदर मीडियम साइज़ के। तो आज मैंने आपसे कहा कि जो है जल्दी जल्दी काम निपटाने हैं,
तो देखिए जब तक कांदा अच्छे से फ्राई हो रहा था, यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का मीडियम साइज़ का जो है टमाटर ले लिया था, उसे भी मैंने जो है बारीक बारीक काट लिया था। तो इस तरीके से जो है मीडियम साइज़ का टमाटर लेके इसे हम काट लेंगे बारीक बारीक, और इसमें हम थोड़े मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें हम धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें गरम मसाला पाउडर। और जो है यहाँ पर ले लिया है सारे मसाले, तो ये मसाले का जो चम्मच है मेरा थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसमें आधा आधा चम्मच यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून के हिसाब से। तो इस तरीके से जो है सारे मसाले हमें इसमें डालने हैं। तो अब इसमें जो है मैं घर में मिर्ची पाउडर बनाती हूँ, तीखी मिर्ची जो रहती है उसका, तो वो मसाला मैं बना कर रखती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये चम्मच मैंने ले लिया है, इसमें मैं डेढ़ चम्मच जो है इसके अंदर मैं मिर्ची पाउडर ऐड करूँगी। तो जो मिसल होती है वो थोड़ी तीखी अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा कांदा अच्छे से फ्राई हो गया था, अब हमें इसमें मसाले सारे ऐड करने हैं। तो इसे थोड़ा सा लाल होने, और इसमें मैं थोड़ा सा करी पत्ता डालती हूँ। तो करी पत्ते का टेस्ट मिसल में बहुत अच्छा आता है मूंग मट में, तो आप भी ज़रूर डालना। और इसमें अब हम सारे मसाले ऐड कर लेंगे। तो कांदा अच्छे से फ्राई होने के बाद हम सारे मसाले इसमें डाल देते हैं, और इसे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 टेबल स्पून, ताकि जो मसाले अच्छे से भून जाए, और उसके अंदर हम 2 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा भूनने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा कटा हुआ टमाटर, जो हमने बीच में छोटा छोटे टुकड़े काट लिए थे उसे डाल देंगे टमाटर के। और टमाटर में ऐसे भी बहुत पानी होता है, तो अब इसे हमें ऐसा ही पकाएंगे थोड़ा सा, ताकि टमाटर का पानी से ये थोड़ा अच्छे से गल जाए टमाटर इसमें, और इसे हम ढक के रख देंगे कम से कम 2 मिनट। और मिसल जो होती है थोड़ी सी, मूंग मट जो होती है थोड़ी सी तीखी तीखी अच्छी लगती है, आपने कभी बाहर भी खाई होंगी। तो इसमें हम 2 हरी मिर्च डाल रहे हैं, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, जो तीखी वाली होती वो वाली। तो देखिए इस तरीके से अब जो है इसे हम ढक के 2 मिनट पकाएंगे, और अब जो है हम हमारी मिसल जो है अच्छे से धो लेंगे। वैसे तो ये भीगी भी है, बाहर से मैंने खरीदी थी, तो लेकिन फिर भी इसे हम 2 से 3 पानी से धो लेंगे। और अगर ये घर में भीगी होती तो भी हम इसे 2 से 3 पानी से धोते। और इसमें मैंने थोड़े आलू ऐड कर लिए थे, तो आलू डालने से ये थोड़ी और ज़्यादा अच्छी लगती है, और खाने में भी मज़ा आता है। तो देखिए यहाँ पर जो ये थोड़े नाश्ते के बर्तन निकले थे, तो वो मैं अब इसे साफ़ कर रही हूँ, ताकि ज़्यादा बर्तन ना जमे और जल्दी जल्दी काम हो जाए, ताकि जो है मुझे शाम में थोड़ा बिज़ी रहूँगी। छोटी वाली जो है इकरा का बहुत सारा प्रोजेक्ट आया है दिवाली वेकेशन का, वो भी मुझे कम्प्लीट करना था, तो आज दोपहर में जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ, ताकि उसका प्रोजेक्ट जो है मैं जो जल्दी से कंप्लीट कर सकूँ। तो अब जैसे ही बर्तन हो जाएंगे मेरे, और मसाला जो है हमारा मिसल का वो अच्छे से भून रहा है, तो मैं तो देखिए अब जो टमाटर का पानी अच्छे से गल गया था, पानी अच्छे से सूख गया था, और टमाटर भी अच्छे से गल गए थे और थोड़े से भून लिए थे, तो ऑयल देखो ऐसे सेपरेट हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, और नमक डाल के थोड़ा सा मिला देंगे। इस टाइम पे नमक मिला देना, ताकि जो मसाले में सब अच्छे से नमक मिल जाए। अब हम इसमें डालेंगे हमारी मूंग मट यानी मिसल, तो इसको अच्छे से हम डाल देते हैं। और इसमें अब धोई भी है तो इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसमें ही हम भून लेंगे और पानी ऐड नहीं करेंगे। तो मूंग मट जो है ज़्यादा भीगी भी ही लाई थी मैं, तो इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, 1/4 गिलास से 1 गिलास तक ही पानी डालेंगे, और इसे सीलो आँच पर जो है सीलो गैस पर ही हम इसे पकाएंगे और ढक देंगे। तो बस 10 मिनट में ये अच्छे से पक जाएंगी। और देखो इसके साथ खाने के लिए मैं यहाँ पर जो है बघारे हुए चावल बना रही हूँ। तो बघारे हुए चावल बनाने के लिए मैं ज़्यादातर लहसुन का यूज़ करती हूँ, लहसुन काट कर इसमें डाल देती हूँ बारीक बारीक। आप चाहे तो इसे कूट कर भी डाल सकते हैं, लहसुन का टेस्ट जो है बघारे हुए चावल में बहुत अच्छा आता है। और अगर आप खिचड़ी वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें जो मैं अमूल घी डाल रही हूँ, घी के टेस्ट से ये कि जो चावल है उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जो है अमूल घी डाला है। और देखो यहाँ पर जो है हमारा लहसुन अब अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 2.5 गिलास पानी,
पानी, तो देखिए यहाँ पर जो है लहसुन अच्छे से जब फ्राई हो जाए घी में तभी पानी डालना है ऐसे थोड़ा सा। तो इसमें हम डाल रहे हैं 2 गिलास पानी, और जो चावल है वो मैंने लिए है 300 ग्राम के हिसाब से। तो इसे हमें अच्छे से धो लूँगी। तो ये जो है मैं 2 से 3 पानी से हमेशा धोती हूँ ताकि जो है चावल अच्छे से साफ़ हो जाए। अब जो है चावल जो हमने बघारे था बघार डाले थे उसका जो जोश आ गया है उबाल आ गया उसमें, अब ये जो धोए हुए चावल है इसमें डाल देंगे और इसे एक दफ़ा हिलाकर इसे पकने देंगे। फुल गैस का फ्लेम जो है फास्ट रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो अब चावल हमारे पक रहे हैं, और देखिए यहाँ पर हमारी जो मूंगमट है मिसड़ है वो भी अच्छे से बन गई है। तो खाना जो है जल्दी जल्दी फटाफट बना लिया है ताकि जो है मुझे दूसरे जो काम है वो भी मैं करूँ। देखिए यहाँ पर जो फ्रिज है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, कम से कम इसे 8 दिन हो गए थे, इसे साफ़ नहीं किया है। अब जो इसे मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, और इसमें जो मेरी मदद कर रही है जोहा मेरी बड़ी वाली बेटी। तो जो स्कूल चालू होने से पहले थोड़ी सी फ्रिज वगैरह साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो हर सैटरडे संडे के दिन जो है मैं फ्रिज वगैरह जो साफ़ सफाई होती है वो कर लेती हूँ। और फ्रिज जो है इस तरीके से ख़राब, मतलब कहीं पर भी कुछ भी रख लेते बच्चे भी और कुछ भी। तो देखिए मैं इस तरीके से साफ़ करके दे रही थी, और जोहा जो है अंदर का फ्रिज जो अच्छे से पोंछ रही थी, साफ़ कर रही थी। तो जोहा जो है कभी कभी उसके पास टाइम होता है, वैसे तो उसकी स्कूल वगैरह में उसे इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जब भी थोड़ा टाइम मिलता है वो मेरी हेल्प करने आ जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता है कि मैं पूरा दिन काम करूं। वैसे तो वो खुद ही इतनी बिजी रहती है पढ़ाई में, स्कूल में, ट्यूशन क्लासेस वगैरह में, तो मैं भी नहीं बोलती हूँ, वरना बेटियाँ जो होती है हमेशा माँ की हेल्प करने आती है। तो देखिए इस तरीके से हम अपना फ्रिज अच्छे से साफ़ करते हैं, और देखिए मैं जो यहाँ पर इनसे सब धो धोकर दे रही थी, इस तरीके से हम एक एक जो ट्रे वगैरह अच्छे से निकाल कर धोते हैं ताकि हमारा जो फ्रिज अच्छा साफ़ हो जाए और जो वेजीज है वो भी एकदम फ्रेश रहे, है ना। तो इस तरीके से हम, और जो मैं जो हूँ पूरा जो है किचन में बैठकर ही फ्रिज को अच्छे से साफ़ करती हूँ। उसे जो है मैं वॉश बेसन में वगैरह में खड़े नहीं रहती हूँ, यहाँ पर जो मुझे कंफर्टेबल लगता है। बाद में जो है किचन का जो ज़मीन है हम लोग अच्छे से साफ़ कर लेते, धो लेते, तो इस तरीके से दोनों काम हो जाते हैं, फ्रिज भी साफ़ हो जाता है और किचन की भी सफाई हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरा फ्रिज को पूरा एक एक जो उसकी ट्रे वगैरह सब निकाल के धोते हैं, और इसी तरीके से हम लोग साफ़ करते हैं ताकि हमारा फ्रिज हमेशा नया जैसा दिखता है, माशाल्लाह। तो देखिए इस तरीके से अब जो है पूरा हमारी साफ़ सफाई हो गई थी, और अब जो मैं बैठकर थोड़े से ट्रे वगैरह लगा रही थी तो बच्चों से जो है बराबर नहीं लगते, इसलिए मैं इसे लगा रही थी। और मुझे जो है घर के काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ कि हमेशा मेरा घर साफ़ सुथरा रहे। और देखिए यहाँ पर जो है मैंने जो यहाँ पर इसके अंदर रखने के लिए ये वाले जो फ्रिज के मैट होते ये ले लिए थे। इससे क्या होता है ना, जब अगर बच्चे हैं या तो किसी के हाथ से कुछ गिर जाए तो इस पर गिरता है, फ्रिज की जो कांच होती है वो जो है अच्छी रहती है ज़्यादा दिन तक के। जितना हो सके हम अपनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो उतना हमारी चीज़ें अच्छे से चलती है, है ना। क्योंकि ये जो महंगी महंगी चीज़ें होते हैं इसे हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है ताकि लॉन्ग टाइम तक ये चल सके। तो वैसे भी आजकल महंगाई का बहुत ज़माना है, तो इसलिए जो है मैं हमेशा अपनी चीज़ों का माशाल्लाह बहुत ख्याल रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने ट्रे धो ली थी, जो पानी की बॉटल वगैरह जहाँ पर रखते हैं इस तरीके से इसे मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी। और घर के काम करने में इतना अच्छा लगता है, और हम अपना ही घर साफ़ कर रहे तो हमें किस बात का तकलीफ़ है ना। और वैसे भी काम वालियाँ वगैरह जो होती है वो इतना अच्छे से साफ़ सफाई नहीं करती है जितना हम अपने हाथों से अपना घर साफ़ करते हैं। तो और अगर जो लोग जो औरतें जो है बाहर काम करती हैं उन लोगों के पास तो खैर टाइम नहीं होता है इसके लिए, वर्किंग वूमन जो होती है, इसलिए उन लोग जो बाहर काम वालियों से कराते हैं। लेकिन जो हाउस वाइफ होती है कम अज़ कम वो तो अपना घर अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने सारा फ्रिज अच्छे से साफ़ कर लिया था। और इस तरीके से काम करने से क्या होता है ना, दिमाग में फजूल बातें नहीं आती है और चीज़ें भी अच्छी चलती है, और टाइम भी अच्छे से ये हो जाता है, टाइम भी निकल जाता है
तो देखिए हमारे यहाँ पर जो है कैरेमल कस्टर्ड बहुत पसंद है बच्चों को और बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है, इसलिए इसे ला के रखती हूँ। अभी जो है मैंने भाजी तरकारी वेजिस सब ख़त्म हो गई थी, अब जो है मैं लेकर आऊँगी। अब जो स्कूल भी चालू होने वाले तो फिर जो है मैं पूरा एक हफ़्ते की जो है वेजिस वगैरह ला कर रखती हूँ, ताकि स्कूल में जो है फटाफट बच्चों को टिफ़िन वगैरह और हस्बैंड के लिए भी बनाना पड़ता है तो उनको जल्दी जल्दी बना कर दे देती हूँ। वरना अगर बाज़ार मार्केट जाऊँ फिर भाजी लेकर आऊँ तो बहुत टाइम हो जाता है, इसलिए हफ्ते में एक ही बार लेकर आ जाती हूँ और फिर जो है अपना फ्रिज को इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। एक दिन ज़रूर आपको बताऊँगी कि इस तरीके से मैं अपनी वेजिस वगैरह भाजी वगैरह रखती हूँ। देखो यहाँ पर हमारे जो है चाइनीज़ का जो शेज़वान चटनी है वो सब मैं रख रही हूँ, तो जो बचा हुआ सामान था फ्रिज में वो मैं अब इसमें रख रही हूँ। और देखिए यहाँ पर जो ये जीप लॉक मंगाए थे ये मैंने शायद अमेज़ोन से मंगाए थे, तो ये जो हम जो पैकेट वगैरह खोल देते हैं तो इसका जो इस तरीके से हम इसे जीप लॉक कर देते हैं तो इससे जो ये हमेशा फ्रेश रहते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम में आती है, तो किचन में ये सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए ये फालूदा जो है बच्चों का बहुत फेवरेट है और मेरा भी, तो कभी कभी हम बना कर पी लेते हैं, इस तरीके से पैकेट मिल जाते हैं बहुत अच्छे होते हैं ये वाले। तो बाहर के खाने से अच्छा है कि कम से कम हम घर का अच्छा बनाकर खाएं। और देखो यहाँ पर जो है मेरी एक फ्रेंड है वो जो है उमरा करने गए थे तो उन्होंने मुझे जो है ये आबे जमजम दिया था और खजूरें दी थी, तो ये मैं फ्रिज में रखती हूँ। और माशाल्लाह हमेशा कोई ना कोई जब उमरा या हज करने जाता है तो वो लोग मुझे याद से भेजते हैं और मैं माशाल्लाह ऐसे हमेशा रखती हूँ, ऐसे भी पीती हूँ, और अगर कभी थोड़ी तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब रहे तो भी बच्चों को भी देती हूँ, हस्बैंड भी पीते और मैं भी, तो इस तरीके से जो इसे फ्रिज में रख लिया है। और मैं तो चाहती हूँ कि ये हर घर में रहे ताकि ये जो है हमारे जो बीमार हो या ऐसे भी हम पी लें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये बहुत सारे फ़ायदे छुपे हुए, मिनरल वाटर भी इसके सामने फेल है ना। तो माशाल्लाह इतने अच्छा जो है ये आप इस जमजम मैंने से देखो इस तरीके तो से रख लिया यहाँ पर जो मैं बाहर से फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर रही थी, और ऊपर का फ्रिज जो मैं यहाँ पर चिकन वगैरह रखती हूँ या फिर हम जब भी बर्फ़ वगैरह रखते हैं तो उसे तो मैंने साफ़ कर लिया है। अभी टाइम बहुत हो रहा है, मैंने जल्दी जल्दी से किचन टेबल साफ़ कर लिया है। अभी जो है मुझे रोटी बनानी है क्योंकि अब जो खाने का टाइम हो गया है, डेढ़ से पौने दो बजे का टाइम हो रहा था, और कितना भी जल्दी जल्दी काम करो लेकिन टाइम हो ही जाता है घर के कामों में, तो वैसे मुंबई में इतना टाइम होता है वगैरह, गांव में तो बहुत जल्दी काम हो जाते हैं, गांव की लाइफ में और मुंबई की लाइफ में यही फ़र्क होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आटा गूंद के रखी थी तो अब जो है रोटियाँ बना रही हूँ, फटाफट रोटियाँ बन जाएंगी और उसके बाद पढ़ूँगी नमाज और उसके बाद हम खाएंगे खाना। तो ऐसे डेली रूटीन के जो काम होते हैं एक हाउसवाइफ के इसी तरीके से होते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है मैं रोटियाँ बना रही थी, गरम गरम रोटियाँ खाने का मज़ा ही अलग रहता है, तो देखिए इस तरीके से मैं रोटियाँ बनाती हूँ जल्दी जल्दी, और कम रोटी बना रही हूँ अभी क्योंकि जब खाते जब भी गरम गरम बनाती हूँ, रात में अलग बना लेती हूँ और ज़्यादा फैमिली नहीं है तो जल्दी जल्दी से बन जाती है फटाफट। तो देखिए इस तरीके से अब जो मेरी रोटियाँ कम्प्लीट हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर आटा पहले गूंद कर रखने का फ़ायदा ये होता है कि रोटी अच्छे से फूल जाती है, तो आप लोग भी कम से कम आधा या एक घंटा पहले आटा गूंद कर रखें ताकि रोटी अच्छी नरम मुलायम आए। तो अब नमाज पढ़ के जो है खाने के लिए बैठ जाएंगे। तो देखिए नमाज अब हो चुकी थी, तो देखिए यहाँ पर जो खाने के लिए बैठ गए थे और यहाँ पर मैंने जो है खाना निकाल रही थी, तो सबसे पहले जो है एक प्लेट लगा ली थी, उसके अंदर रख लिया था एक वाटी में मिसर यानी मूंगमट और एक चपाती रख ली थी और थोड़े से राइस रखे थे, और अचार जो है हमारा बहुत फेवरेट है, हम बहुत शौक़ से खाते हैं कैरी का अचार, तो ये भी मैंने इस प्लेट में रख लिया था। तो देखिए इस तरीके से जो प्लेट रेडी कर ली थी। तो दोस्तों आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा कैसे लगा आप मुझे कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगी आपसे एक अच्छी और नए रेसिपी और व्लॉग के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।